जब तुम शबाना आंटी के घर गई थी फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है फरिया, उसका जवाब दो। हम्माद, फरिया को मैं देखो सारे, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, काइंडली हम दोनों के बीच में बताओ, ये मेरा और फरिया का मामला। देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाएं। आप इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है जो तुम इतना घबरा रहे हो? नहीं, बात यह है कि वो शबाना खाला हमारे घर रुक रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं फरिया को घर छोड़ा हूँ। वो अकेली कैसे जाती? फरिया भाभी ठीक तो है? जल्दी बताओ सारिम, तुम चुप क्यों हो? इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब नहीं है, वो सदमे में, और शायद कि अम्मी का उनसे बात करना उनको अच्छा ना लगे, क्योंकि आप इस घर के बड़े दामाद हैं तो आप इस मामले को अच्छी तरह से निपटा सकते हैं। कह दो यार, तुम ठीक रहे, अगर पहले मैं सारिम से बात करूं, अगर वो राजी हो जाता है तो हम दोनों मिलकर सलमा खाला से बात कर लेते। सारी भी वक्त है बातों के लिए तो नहीं, लेकिन हयात का कहना भी ठीक है, मुझे तो उसकी बात समझ आई है, आप लोग देख लें। अम्मा आर्यन ठीक कह रहे हैं, वैसे भी लड़की के फर्ज से जितनी जल्दी सबूत दोष हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अब्बा ये बात दिल में लेकर गए होंगे, जितनी जल्दी हो सके हमें उन्हें इस बोझ से आजाद कर देना चाहिए। बेटा मैं क्या कहूं, सारी बेटा तुम्हें कुछ बताओ, क्या करूं क्या ना करूं, अभी तो तुम्हारे अब्बा का कफन भी मैला नहीं हुआ। अम्मा आप हौसला करें, शादी की बात तो पहले ही तय हो चुकी थी, किसे पता था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो हमें वक्त पे शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, जो तुम सबकी मर्जी, मैं क्या बोल सकती। लेकिन आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी अब्बू को फोटो दिन ही कितने हुए हैं और आप सब लोग ये चाहते हैं कि मैं अपनी शादी में जाके बैठ जाऊं। शहीन खुद को संभालो, क्या हो गया तुम्हें, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। हाँ मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, आप लोग क्यों नहीं समझते, अभी अब्बा को फोटो दिन ही कितने हुए हैं और भाई आप खुद सोचे, आपने अभी उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए, तो आप सब ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने हाथों पर मेहंदी रचा लूं, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे। शेरी मेरी बेटी, शेरी शेरी शेरी, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? शेरी मेरी पानी रख, पानी रख। शेरी मेरा शेरी। बच्चा होश कर मेरी गुड़िया, मैं कह रही थी ना। अम्मा हौसला करें, शेरी शेरी आंखें खोलो, पानी लाओ मेहरीन। बच्चे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ये सब, आप अम्मा को समझाए ना, मैं नहीं कर सकती। शेरी तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे हम, प्लीज शेरी हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। हाँ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम नहीं चाहती, लेकिन प्लीज खुद को मत परेशान करो। हाँ मेरी प्यारी बहन, मॉम आप यहाँ हैं? जी, इट्स नॉट फेयर मम्मा, एक तो आप जाने वाली हैं, ऊपर से आप इन कामों में लगी हुई और हमें टाइम ही नहीं दे रही, छोड़े इन कामों को और हमें टाइम। वो क्या है ना मॉम, ये चाहता है कि आप इससे इसकी फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करें, जैसे इसकी शादी, इसकी बीवी, इसके बच्चे वगैरह वगैरह। मैं देख रही हूँ आजकल इसका इन बातों में बहुत दिल लग रहा है। हाँ आयजा, मेरे बेटे को तंग करने की जरूरत नहीं है, इसके दम से तो इस घर में रौनक है, अगर ये नहीं होता ना सचमुच मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। देखा आपने, और आप, हम इतनी दूर से आपके पास आए और आप हमें छोड़ के जा रही हैं। हाँ मॉम, चलो मेरे पास एक आइडिया है, दोनों मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो, वहाँ पे बिजनेस भी देख लेना और अगर बिजनेस समझ में आ जाए तो प्लान संभाल लेना, दैट्स इट। वैसे मॉम आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे तो फाइनल्स होने वाले हैं,
हमें उसकी तैयारी भी करनी होगी। ये तो और भी अच्छा है ना, वहाँ पे तुम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सकोगी। बस हो गया, तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इस मामले में सोचना पड़ेगा। सोचा नहीं जा सकता, अमल हो सकता है। बस मैं अभी तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करवाती हूँ, ठीक है? अरे मम्मा। ओके मॉम, जैसा आप कहें। ठीक है, चलो उठो, तैयारी करो, निकलो, जॉब में पैकिंग करो। ओके मॉम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अब तुम्हारे? हाल क्या होंगे, बस जी ही रहे हैं। अब्बू के इंतकाल के बाद घर काटने को दौड़ रहे हैं, किसी भी काम में दिल ही नहीं लगता। देखो शायरी, अंकल के इंतकाल को बहुत दिन गुजर गए, तुम हिम्मत और हौसले से काम। अल्लाह को यही मंजूर था, वो इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आए थे। हयात में बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत हौसले जमा करती हूँ अपने अंदर कि मैं एक मजबूत लड़की बनकर अम्मी का ख्याल रख सकूं, उनके सामने अपने आप को नॉर्मल जाहिर कर सकूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। मुझे अब्बू बहुत याद आते हैं। शहरीन, अंकल से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो मुझे भी बहुत अजीज थे, लेकिन अल्लाह के काम में कौन मदाखलत कर सकते हैं। तुम सब्र करोगी तो सब्र आएगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सादगी के साथ शादी कर लेते हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल चेंज होगा तो तुम वापस अपनी जिंदगी की तरफ आ जाओगे। हयात, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसी हालत में कैसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो अब्बू के इंतकाल को कुछ दिन ही हुए, ऐसे में मैं कैसे अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लूँ? आपको मेरे लिए इंतजार करना होगा। शहरी, तुम्हारा ये दुख कुछ दिन का दुख है, जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें अंकल की याद आएगी, उनकी कमी महसूस होगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन में तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा या तुम अंकल को भूल जाओ। नहीं शहरी, जिंदगी भर अब ये दुख तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ हयात, आप ठीक कह रहे हैं, ये दुख तो वैसे भी उम्र भर का ही है, और माँ बाप की कमी को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हयात, अभी मेरा दुख बहुत ताजा है और मैं सदमे से नहीं निकल पा रही। आप खुद सोचें, मुझे तो अभी अम्मी का भी ख्याल रखना है, इसलिए आपको शादी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, बस अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसी तबीयत है बाप की? बस तबीयत का क्या बताऊं बेटा, घर काटने को दौड़ता है। फरीहा अपने घर में खुश है, महरीन नहीं है, खाली खाली सा है घर। अम्मी मैं भी यही सोच रहा था कि उसको गए हुए काफी दिन हो और आप घर में अकेली लगी रहती हैं। सीरियसली मेरा ध्यान तो आप ही की तरफ रहता है पूरा दिन। तुम जीते रहो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। बस बेटा, महरीन की वजह से भी घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है, मैं तो फिर भी ठीक नहीं रहती। महरीन आ जाए तो घर में थोड़ी रौनक भी हो जाएगी और शायद उसके आने से मैं तबीयत भी ठीक। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं आज ऑफिस से समा खा के घर जाऊंगा और महरीन को वापस लेता हूँ, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ख्याल से जाना बेटा। आयशा फवाद, जल्दी आओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। आ गए हैं मम्मा। आ गए हैं, भी फ्लाइट में बहुत टाइम है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं जानती हूँ, अगर हर चीज तुम पे छोड़ दी ना मैंने तो काम हो गए वक्त पे। तो पता नहीं तुम लोग वहाँ किस तरह से मैनेज करते हो। मॉम, इसे पता है कि यहाँ आप मौजूद हैं, वरना वहाँ ये सारे काम मैं कर रही होती। अरे ये हमार और फरीहा कहाँ रह गए? हमारे जाने के बाद भी उनको अकेले ही रहना, फिर भी इतना टाइम लगा रहे हैं। हाँ हाँ फवाद, तुम्हें पता तुम्हारी फिटनेस का राज जिम नहीं बल्कि दूसरों की फिक्र में दुबले रहते हो। रियली? यस। चले भाई, अब कहीं सच में फ्लाइट मिस ना हो जाए। अच्छा फरिया, अपना ख्याल रखना और हमाद के ना कान खींच के रखना, और घर का भी बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अब चलें,
फ्लाइट के लिए देर नहीं हो रही, ये एग्जाम भी मुझ पर आ जाना है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अंदर आइए, थोड़ा फ्रेश होना, आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, मैं आज ऑफिस से वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ, अम्मी घर पर इंतजार कर रही हैं। जो भी तुम्हारा सामान है तुम पैक कर लो, फिर हम घर चलते हैं। आर्यन, अभी तो आप आए, थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर हम आराम से बात करते हैं। क्या मतलब आराम से बात करते हैं? यार तुम इतने दिन से यहाँ, वो अम्मी घर पर अकेली है, परेशान हो रही है, तुम्हें याद कर रही है। अरे मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यहाँ अम्मी अभी सदमे से संभल नहीं पाई है, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप समझने की कोशिश करें। और वहाँ जो मेरी माँ के लिए अकेली बीमार परेशान हो रही है, यहाँ सलमान खाला के साथ कम से कम शहरीन तो है ना, मेरी माँ वहाँ अकेली है और मैं पूरा दिन ऑफिस में होता हूँ। यार शहरीन की तबीयत खुद बहुत खराब है, यहाँ वो खुद बहुत परेशान है, आप जाए अंदर जाके अम्मी की तबीयत तो देखेंगे कितनी खराब है। अरे मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी खिदमत करूं, आखिर वो मेरी ही माँ है। आप एक काम करें कि फरीहा को शबाना खाला के पास बुला लें, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और दिल भी बहल जाएगा। जैसे ही अम्मी की तबीयत ठीक होगी मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने तुम अपने ये मशवरे अपने पास रखो, तुम्हें सब बहुत सेल्फिश होके सोच रहे हो, तुम्हें मेरी माँ की जरा भी परवाह नहीं, रहो जब तक तुम्हारा यहाँ दिल रहता है, रहो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। आर्यन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। कॉफी पियेंगे, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। नहीं हमाद, अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज होंगे तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। फरिया एटलीस्ट तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितना पजेसिव हूं। और तुम ओके? मैं क्या हमाद, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप मुझे जाहिरी आंखों के बजाय दिल की आंखों से देखते हैं और आपको मेरी हर हरकत दिल पर महसूस होती है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अब सारिम से मेरा रिश्ता चेंज हो चुका है, अब उससे बात करना या उसका ख्याल रखना मेरी मजबूरी है। अगर मैं अपना रिश्ता भूल भी जाऊं कि वो मेरा कजन है, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं ताजियत करूं, क्योंकि वो इस घर का होने वाला दामाद है। तो फिर मैं क्या करूं? देखो फरिया, मैं हर वक्त और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूं। तुम ठीक कह रही हो, तुम गलत भी नहीं, लेकिन अगर मैं तुमको नहीं सोचूं तो किसी तीसरे का वजूद मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। देखो फरिया, मैं चाहता हूं कि इस चांद की रोशनी सिर्फ मुझ पर पड़े, सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी में उजाला करे। हमाद, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ और मैंने ये हाथ जिंदगी भर के लिए थामा है, क्योंकि ये हाथ नफरत से किसी के घाल को छू तो सकता है मगर मोहब्बत से किसी के हाथ को नहीं थाम सकता। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। सही कह रही हूँ। चलो यार, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। Let's go. अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बड़े थके थके से लग रहे हो, अकेले आए हो? तुम तो कह रहे थे वापसी पे मेरीन को साथ लेके आओ। अम्मी मैं गया था उसको लेने के लिए, लेकिन सामने से इनकार कर दिया।
आने से इनकार कर दिया। क्या मतलब, क्या बात है, खैरियत है ना? हमी खैर तो अपनी वो बनाए, वैसे दोबारा लेने के लिए नहीं चाहूँ, उसका दिल भरेगा तो खुद वापस आ जाए। आखिर हुआ क्या है, क्या बात है, फिर लड़ाई हो गई तुम दोनों में? बताओ क्या बात हुई है महरीन से? कुछ नहीं, मैंने उसे घर चलने को कहा और वो कहने लगी सलमा खाला की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी तो मैं आ जाऊँ, मुझे गुस्सा आया तो मैं चला आया। क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ी देर को सोचो कि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बाप मरा है उसका, और सलमा के पास उसका रहना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो जाओ, तुम जाके फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी आप परेशान मत हो, मुझे अभी भूख नहीं लगी, और मुझे पता है आपने मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आपसे कह दूंगा, मिलके खा लूंगा। अच्छा भाई तुम फ्रेश हो, मुझे भी अभी भूख नहीं, खाना तो मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, और अब ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, खामखा अपना खून जला रहे हो। बेटा थोड़ा सा समझता है यार, फिक्र ना करो, आ जाएगी इंशाल्लाह, चलो जाओ चेंज करो, देख लूंगा मैं, जाओ इंशाल्लाह। क्या बात है महरीन बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, और अपनी ये क्या हालत बना रखी है आपने, अगर अम्मा ने आपको ऐसे देख लिया ना तो वो और परेशान हो जाएंगी। शहरीन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उधर शबाना खाला की तबीयत खराब है, आयान मुझे लेने के लिए आए थे तो मैंने जाने से इनकार कर दिया, गुस्से से वापस चले गए, अम्मी की तबीयत खराब है मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम्हें भी तो ये बात को समझना चाहिए ना। लेकिन अगर आर्यन भाई आए थे आपको लेने तो आपको उनके साथ चले जाना चाहिए था, और आप खुद सोचे अम्मी की देखभाल के लिए यहाँ मैं हूँ, लेकिन वहाँ शबाना खाला, उनके पास तो कोई भी नहीं है देखभाल के लिए, आपने आर्यन भाई की बात क्यों नहीं मानी? कैसे मान लेती, अम्मी तुमसे ज्यादा मुझसे अटैच है, और तुम खुद अभी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें भी तो आराम मिलना चाहिए ना, ऐसे में बेटियों का ही फर्ज होता है कि दुख और दर्द में माँ बाप का ख्याल करें, उनको संभालें, अगर ऐसे में मैं अम्मी के पास हूँ तो फरीहा का भी फर्ज बनता है कि वो शबाना खाला के पास चली जाए, अम्मी की तबीयत ठीक होगी तो मैं वापस चली जाऊंगी, मुस्तकिल थोड़ी रहना है मुझे यहाँ। अरे लेकिन मैं ऐसा कब कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आर्यन भाई आए थे आपको लेने तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी और उनके साथ चले जाना चाहिए था। शहरीन मेरा दिल नहीं मानता, देखो अब हम दोनों को ही मिलकर सब कुछ संभाल लें, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना, मेरे लिए एक कप चाय का बना, बहुत सर में दर्द हो रही है। अरे हाँ मैं चाय ही बनाने आई थी, आप एक काम करें आप अम्मी के पास चली जाएं, मैं चाय वही लेकर आती हूँ। अरे आओ आओ बेटा। आप कौन है, आपकी तारीफ, कहाँ से आई हैं? मैं 2-3 दिन पहले ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई, दोपहर में आंटी से भी मिलने आई थी। यही है वो बच्ची जिसका मैं जिक्र कर रही थी, रुखसार ये मेरा बेटा है आर्यन, आर्यन ये है रुखसार। यहाँ क्या लेके आई हो? और मैं घर में बोर हो जाती हूँ, महरीन तो सलमा खाला के घर पे, तो क्या मैं दिन में वहाँ से हुआ? देखो फरिया मैंने तुम्हें अभी अभी बोला कि मुझे ऑफिस एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना, और तुम ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई। लेकिन अम्मा। लेकिन क्या फरिया, मैंने तुम्हें बहुत दफा पहले बोला है कि तुम वहाँ पर अकेली नहीं जाओगी, तुम्हें जब भी जाना होगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ पर। आज सारा दिन बहुत बिजी थी तो अभी थोड़ी फुर्सत मिली, मैंने सोचा आंटी की तबीयत पूछ लूं, कहाँ है आंटी, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अरे जनाब जब आप जैसे तीमारदार होंगे ना तो कौन ज्यादा अरसे तक बीमार रह सकता है, वैसे आप ये बताएं कि आपने अम्मी को जादू कौन सा किया, वो उठते बैठते सिर्फ आप ही का नाम लेती रहती हैं। अरे आंटी खुद बहुत स्वीट हैं, आपने बताया नहीं कि वो है कहाँ पे? एक्चुअली मैं हाथों हाथों में भूल ही गया, वो उनकी कॉल आई हुई, वो फोन पर बात कर रही है, तो जब तक वो आती नहीं है तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा।